12 हमारे पर टेक्स्ट से मुतालिक जितने भी CSS है ना, वो इसके अंदर डिस्कस हो रहा है कि टेक्स्ट का साइज़ कैसे चेंज होगा, टाइप फेस कैसे चेंज होगा टेक्स्ट का, ठीक है। बोल्ड इटैलिक वगैरह हम पहले टैग लगा के करते थे, वो CSS से भी हो जाता है, ठीक है। स्पेस बिटवीन लाइंस, कि दो लाइनों के दरमियान अगर स्पेस डालना है, वैसे तो डिफ़ॉल्ट पे होता है ना कि एक लाइन लिखी आ रही है, उसके नीचे पैराग्राफ में जो दूसरी लाइन है उसके अंदर एक सर्टेन डिस्टेंस होता है उसका। जैसे आप देखें यहाँ पे भी जो दो लाइन लिखी हुई है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इन दोनों लाइनों के दरमियान में एक सर्टेन डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर इस डिस्टेंस को आपने कम या ज़्यादा करना है, तो स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स को आपने अगर चेंज करना है, ठीक है, वर्ड्स के, दो वर्ड्स के दरमियान, जैसे आप देखें एक वर्ड ये है ना, और एक वर्ड ये है, तो इन दोनों वर्ड के दरमियान एक डिस्टेंस है जिससे पता चल रहा है आपको कि ये अलग अलग वर्ड है। तो वर्ड्स के दरमियान का डिस्टेंस आपने कम ज़्यादा करना है, स्पेस आपको बढ़ाना है या कम करना है। लेटर्स के दरमियान, अब आप देखें ये जो लेटर्स हैं ना, इन लेटर्स के दरमियान भी एल और ई के दरमियान एक सर्टेन डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को अगर आपने कम या ज़्यादा करना है, तो ये सारी चीज़ें आप CSS के ज़रिए कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें इस बुक में, इस चैप्टर में डिस्कस होने जा रही हैं, ठीक है जी। द प्रॉपर्टीज दैट अलाउ यू टू कंट्रोल द अपेयरेंस ऑफ टेक्स्ट कैन बी स्प्लिट इन टू टू पार्ट्स, दोज डायरेक्टली अफेक्ट द फॉन्ट एंड इट्स अपेयरेंस, दोज डैट वुड हैव सेम इफेक्ट टू टेक्स्ट नो मैटर व्हाट फॉन्ट यू हैव। कह रहे हैं कि भाई एक तो होगा कि किसी ख़ास फॉन्ट पे ये लगेगा, कुछ ऐसी CSS होगा जो किसी ख़ास फॉन्ट पे लगेगा, और कुछ ऐसा CSS होगा जो फॉन्ट से ताल्लुक़ नहीं है उसका। अच्छा देखते हैं जी वो क्या है वो दोनों। अच्छा यहाँ पे एग्जांपल भी दिए इन्होंने, एग्जांपल इन्होंने ये दिए कि जो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा ना फॉन्ट से, वो क्या हो सकता है कि जी बोल्ड अगर आपने किया है या इटैलिक किया है या साइज़ आपने टेक्स्ट का चेंज किया, तो वो ज़ाहिर है फॉन्ट पे आपको दिखेगा वो। अच्छा वो जो फॉन्ट कोई सा भी हो जिसका सेम इफेक्ट रहता है, वो क्या है जी कलर है और स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स एंड लेटर्स। ये फॉन्ट कोई सा भी हो मैटर नहीं करता, कलर तो रेड कलर है तो रेड कलर का दिखेगा फॉन्ट आपको। ये इन्होंने एक छोटी सी वेबसाइट बनाई है, आप इस पर गौर करें कि इसमें इन्होंने जो है ना सेकंड लाइन जो आपको दिख रही है, अ हार्ट रैप्ड इन फर, इसमें इसने वर्ड के दरमियान जो स्पेसिंग है वो भी बढ़ाई है और लेटर्स के दरमियान भी स्पेसिंग जो है वो बढ़ाई है। आप देखें ये जो THE दा लिखा हुआ है, इस TH और E के दरमियान का फासला कम है, इसमें जो है ना फासला ज़्यादा है, HEART के दरमियान जो फासला है वो ज़्यादा है, H और E के दरमियान जो फासला आपको ज़्यादा दिख रहा है ये इसने किया है। अच्छा तो थोड़ा सा इसने ये कर दिया है यहाँ पे, आप देखते हैं आगे। तो भाई इतना अगर इस तरह का अगर आप काम कर लें ये चैप्टर पढ़ने के बाद, तो आप इसका मतलब है कि आपको चैप्टर समझ आ गया। टाइप फेस टर्मिनोलॉजी, कि जी टाइप फेस जो होता है हमारा, उसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं। अच्छा एक टाइप फेस होता है हमारा, या एक फॉन्ट हमारा होता है जिसको हम कहते हैं सेरिफ। सेरिफ का मतलब क्या होता है जी, सेरिफ जो होता है हैव एक्स्ट्रा डिटेल्स ऑन द एंड ऑफ द मेन स्ट्रोक्स ऑफ द लेटर। मेन स्ट्रोक्स जो है ना उसके एंड पे, यानी हम जो सीधी लकीर मारते हैं, तो सीधी लकीर जहाँ से शुरू होती है जहाँ ख़त्म करते हैं, यानी पेन जहाँ पे रखते हैं और पेन जहाँ पे वापस पेपर से ऊपर उठाते हैं, यानी आई जो है, इनके एजेस पे जो है ना एक्स्ट्रा डिटेल्स होती हैं, दीज डिटेल्स आर नोन एज सेरिफ। इन्हीं इसी चोंच को सेरिफ बोलते हैं, ये जो चोंच निकाली हुई है ना इसने, इसी को बोलते हैं सेरिफ, इसी का नाम है। अच्छा कह रहा है कि जी इन प्रिंटिंग में सेरिफ फॉन्ट वर ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर लॉन्ग पैसेजेस ऑफ टेक्स्ट बिकॉज दे वर कंसिडर्ड ईजियर टू रीड। ईजी होता है ये रीड करने में, तो ठीक है। अच्छा ईजियर टू रीड अब कैसे है ये, इसकी एक लंबी स्टोरी है, ठीक है। एक आसान सी आपको मैं बात बताता हूँ, एक सिंपल बात बताता हूँ, क्योंकि प्रिंटिंग की इसने बात की ना, तो पेपर पे जो लिखा हुआ टेक्स्ट है ना वो फेड भी होता है, पेपर पे जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो फेड होता है। तो जब फेड होता है वो, या सम टाइम प्रिंट का जो ऐसा इंक होता है वो उखड़ जाता है, ये प्रिंट हुआ हुआ जो इंक होता है वो, अगर आप उसको उखड़ता है, जैसे दीवार का पेंट पापड़ बन के उखड़ता है ना, इस तरह पेपर का प्रिंट भी जो अगर पुराना आप देखेंगे तो कुछ ऐसे आपको मिलेंगे जो पेपर से उखड़ जाते हैं,
ठीक है, आजकल तो लेज़र प्रिंटिंग है ना, उसमें तो ये चीज़ें नहीं होती हैं, उसमें भी होती है, वो वक्त के साथ साथ वो कलर फेड हो जाता है उसका, लेकिन ओवरऑल इट्सेल्फ उखड़ता नहीं है, वो पक्का होता है पेपर के ऊपर कलर वो। तो ये जो एजेस है ना, अगर किसी पेपर में प्रिंटिंग थोड़ी सी आगे पीछे भी हो गई है तो सैरिफ की वजह से पहचान में आ जाता है कि ये लेटर कौन सा है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना, इसने कहा है कि भाई कंसिडर्ड ईजियर टू रीड, कि पुरानी बुक्स को लेके ना, जब बुक जैसे जैसे पुरानी होगी तो उसमें ये बेनिफिशियल होगा, न्यू बुक में शायद ये इतना बेनिफिशियल नहीं होगा। वेल, अब ये एक लंबी स्टोरी है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आप अलग से अगर पढ़ना चाहें कि वाई सैरिफ इज़ कंसिडर्ड फॉर प्रिंटिंग, तो आपको सारी स्टोरी पता चल जाएगी। अच्छा, एक है भाई सैन सैरिफ। अब सैन सैरिफ का मतलब क्या है, कि फॉन्ट्स हैव स्ट्रेट एजेस एंड देयर फॉर हैव मच क्लीनर डिज़ाइन, ये क्लीन क्लीन लगता है देखने में, ठीक है। और सैन सैरिफ का मतलब क्या है, कि चोंच नहीं है। अब ये पता नहीं कौन सी संस्कृत में लिखी है, पता नहीं इन्होंने लैटिन में लिखा है। वेल, तो सैन सैरिफ का क्या मतलब है, कि नो सैरिफ, चोंच गायब है भाई, चोंच नहीं है इसकी। अच्छा, नीचे इन्होंने लिखा है कि भाई स्क्रीन हैव लोअर रेजोल्यूशन देन प्रिंट, सो इफ़ द टेक्स्ट इज स्मॉल सैंस सेरिफ फॉन्ट कैन बी क्लीनर टू रीड। अगर स्मॉल फॉन्ट है, क्योंकि स्क्रीनों पे लो रेजोल्यूशन होता है, लो रेजोल्यूशन का मतलब है कि आप देखें ये चकोर पिक्सल तो चकोर होता है, तो अब आप देखें अगर ये एक आई का नुकता है ना, चार पिक्सल से मिलके बनता है, अगर इमेजिन कर रहा हूँ मैं कि चार पिक्सल से मिलके बनता है, तो ये वाला जो ये वाला पार्ट है चोंच, अब चोंच को तो के लिए तो पूरा पिक्सल ऑन करना पड़ेगा मुझे, तो वो चोंच इतना क्लीन बन नहीं पाएगा, वो चोंच जो है ना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, है ना। अब आप इमेजिन करो कि एक पिक्सल है, एक पिक्सल का जो साइज़ है, चार पिक्सल ऑन करने से ये आई का नुक्ता बनता है, तो ये उसमें कैसा बनेगा। अच्छा, पिक्सल आजकल तो बड़े मतलब सही साइज़ के पिक्सल हैं ना, बहुत बारीक हैं, कितने पता नहीं 3 नैनोमीटर तक आ गए हैं पिक्सल्स। लेकिन आपको मैं ज़रा सा थोड़ी सी पुरानी स्क्रीन दिखाऊं ना, अगेन मैं आपको दिखाऊं कि कुछ इस तरह का होता था ना पिक्सल, पहले थोड़े बड़े साइज़ के पिक्सल होते थे। अब आप देखें ये यहाँ पे ना, इस जहाँ पे इस वक्त मेरी उंगली है, ये देखो एक पिक्सल का साइज़ ये है, दिस इज़ वन पिक्सल, दिस इज़ वन पिक्सल, सही है। अब ये एक लकीर बनाने के लिए इन्होंने 1, 2, 3 पिक्सल को ऑन किया हुआ है। अब आप देखो एक पिक्सल, दो पिक्सल तो सीधा है, लेकिन तीसरा पिक्सल थोड़ा सा उससे इस तरफ है, मैं एग्जैक्टली इस वाले की बात कर रहा हूँ। अगर आप इसको और मज़ीद मैं जूम कर दूँ तो देखें, दो पिक्सल तो सीधा है लेकिन तीसरा पिक्सल थोड़ा इधर है, थोड़ा लेफ्ट पे है, तो इस तरह करके ये इसको बनाया हुआ है। अब इसके अंदर अगर सैन सैरिफ का टेक्स्ट बनाया जाएगा तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा जैसा ये दिख रहा है, देख रहे हो। अच्छा, लेकिन इसी स्क्रीन के ऊपर अगर आप, मैं आपको सॉरी, सैरिफ वाला जो ऐसा दिखेगा ना, सैन सैरिफ तो अभी अभी देखते हैं, ये देख रहे हो आप सैंस सेरिफ कितना क्लीन लग रहा है, आई देख रहे हो इसका बिल्कुल सीधा है, हालांकि अच्छा खासा बड़ा पिक्सल है ये। आजकल तो इतने बड़े पिक्सल आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे आजकल के फ़ोन में या आजकल के कंप्यूटर डिवाइसेस में, लेकिन ये मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है कि जी इसमें जो है ना वाई सैंस सेरिफ इज़। अब इसी को आप बड़े स्केल पर ले लें, ये आप देखें इन्होंने भी ना सैंस सेरिफ का इस्तेमाल किया, बगैर चोंच वाले का इस्तेमाल किया, सीधे सीधे इसमें आप देखें आई सीधा बना हुआ है, के का जो डंडी है वो बिल्कुल सीधी है, एन की जो दो लंबी डंडी है वो बिल्कुल सीधी है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना इसको कंसिडर किया जाता है, ये देखें सब जगह पे जो है ना बगैर चोंच वाला फॉन्ट है, चोंच वाला फॉन्ट डिजिटल स्क्रीन के ऊपर मसला है। अच्छा, ये थोड़े से ये वाला जो स्क्रीन है ये थोड़ी सी एडवांस है इस वाले से, ये 11-12 की स्क्रीन है ना, नोकिया 11-12, 3310 के तकरीबन ये 10 साल बाद आया फ़ोन, या 5 साल बाद शायद, तो खैर 3310 के 5-6 साल 8 साल बाद ये फ़ोन आया। तो आप इसमें देखें, इसमें तो जो लिखा हुआ है ना कि मैसेज रिसीव्ड, इसके आपको एक एक पिक्सल दिख रहा था अभी पिछले में, लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं है,
इसके पिक्सल का साइज़ ज़रा और छोटा है, तो इस तरह से आप पिक्सल को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि जी पिक्सल कहाँ पर है। अच्छा, पिक्सल एक जगह पे दिख रहा है, जो एंटीना के इसके जो ये वाला है ना, जो 45 डिग्री पे जो इसने लकीर खींची हुई है, इस पे आप देखें पिक्सल अभी भी दिख रहा है छोटा होने के बावजूद। बाकी सीधे सीधे एजेस हैं, जैसे मैसेज का निशान है बिल्कुल सीधा चकोर, पट्टी सिग्नल की बिल्कुल सीधी सीधी, ये है बिल्कुल सीधी सीधी बैटरी है, ठीक है। यहाँ पर लिस्ट का एल सीधा है, आई सीधा है, टी सीधा है, सारे सीधे सीधे आइटम हैं, चकोर चकोर आइटम है। लेकिन जहाँ पे 45 डिग्री आपको दिखेगी ना, वहाँ पे पिक्सल दिख रहा है, जैसे कि ये जगह हो गई, जैसे कि आप एस का जो ये 45 डिग्री है, एक्स का जो 45 डिग्री है ये, ठीक है, यहाँ पे देखें एस का 45 डिग्री, इस मैसेज के अंदर जो 45 डिग्री है, इन जगहों पे आपको पिक्सल फील हो रहा है। तो ये मैंने आपको बताया कि भाई ये जो सैन सेरिफ में कह रहे हैं ना कि स्क्रीन हैव लो रेजोल्यूशन देन प्रिंट, सो इफ़ द टेक्स्ट इज़ स्मॉल सैन सेरिफ फॉन्ट कैन बी क्लीनर टू रीड। तो ये आपको समझा दिया मैंने कि ये कैसे क्लीनर होता है स्मॉल कम रेजोल्यूशन की स्क्रीन पे। अच्छा जी, मोनो स्पेस, एवरी लेटर इन मोनो स्पेस फॉर मोनो स्पेस फॉन्ट इज़ द सेम विड्थ नो मैटर इट इज़ आई और एम। जितने भी इसके अंदर कैरेक्टर होंगे उसका जो विड्थ होगी, उसकी जो चौड़ाई होगी, वो सेम होगी, डिपेंड नहीं करता कि वो आई हो या एम हो या एल हो या जेड हो, कोई सा भी हो, उसकी जो चौड़ाई है वो एग्जैक्टली सेम होगी, ठीक है। नहीं है छोटा, इंची टेप से नाप के देख लो, इंची टेप से नाप के देख लो, एक जैसा है। एक जितना है भाई, देखो मैंने इसको नापने का अच्छा तरीका बताता हूँ ना मैं, मैंने स्क्रीन पर रखी उंगली, ठीक है, और इसको मैं अपनी उंगली जितने साइज़ का बनाता हूँ। अच्छा, अभी जो आई पे, आई के ऊपर मैंने अपनी उंगली रखी हुई है, और मुझे ये आई के जो दोनों कॉर्नर्स हैं ना, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, बिल्कुल हल्का हल्का सा मुझे दिख रहा है अपनी उंगली के दोनों साइडों से। अब मैं अपनी उंगली रखूँगा एम के ऊपर। हाँ यार, एम बड़ा है थोड़ा, एम चौड़ाई में थोड़ा बड़ा है इससे। वेल, ऑलमोस्ट सेम स्पेस है इसका, ठीक है। एम वैसे इस पिक्चर में थोड़ा बड़ा है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, एम जो है वो आई और एम एक साइज़ के होते हैं। अच्छा, तो इसके बारे में ये कह रहे हैं कि जी मोनो स्पेस फॉन्ट आर कॉमनली यूज्ड फॉर कोड बिकॉज दे अलाइन नाइसली, मेक द टेक्स्ट ईजियर टू फॉलो। कह रहे हैं कि जी पोस्टल कोड वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, फ़ोन नंबर, पोस्टल कोड, उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। कहीं पर कोड कोई हो ना, जैसे भाई कोई अल्फा न्यूमेरिक कोड है 6 डिजिट का, तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये अलाइन अच्छे से होते हैं और ये ईजी टू फॉलो है कि जी 3 डिजिट के बाद 4th डिजिट, आप अकाउंट नंबर वगैरह जो लिखा होता है चेकबुक पर, वो इसी फॉन्ट में होता है। अच्छा, एक और इसका यूज़ केस है जी, टाइपराइटर में आपने अक्सर देखा होगा यही फॉन्ट होता है। क्यों होता है? टाइपराइटर में मोनो स्पेस के अलावा कोई और फॉन्ट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, बताओ क्यों? हाँ भाई, क्या कह रहे हो? ये आ गया जी मेरा भाई टाइपराइटर। ये आ गया मेरा भाई टाइपराइटर के बटन, QWERTY, ठीक है। जल्दी बताओ कि टाइपराइटर में मोनो स्पेस के अलावा कोई और फॉन्ट क्यों नहीं लगा सकते हैं? कॉमन सेंस की बात है, ये ऐसी ब्रेन स्ट्रोमिंग कर रहा हूँ, ये कोई वो नहीं है कि स्टैंडर्ड क्या बना हुआ होगा। हो
नहीं एक जैसा साइज़, मतलब अगर मैंने दूसरा बगैर एक जैसा साइज़ कर दिया तो क्या मसला है? ये मैंने टाइपराइटर इसीलिए खोल दिया आपके सामने ताकि आपको देख के आइडिया हो जाए कि ऐसा क्यों होता है। बताओ बेटा, ये फॉन्ट इजाद हुए थे ना वो टाइपराइटर से पहले हुए थे, ये भी बता दूँ आपको। प्रिंटिंग प्रेस पहले आया, टाइपराइटर बाद में आया, मतलब जहाँ तक मुझे आइडिया है प्रिंटिंग प्रेस पहले आया, टाइपराइटर नहीं आया पहले। टाइपराइटर तो बहुत बाद में आया। देखो इसके लिए समझना पड़ेगा तुम्हें कि टाइपराइटर काम कैसे करता है। टाइपराइटर काम ऐसे करता है कि ये रोल देख रहे हो, रोलर जो है ब्लैक वाला, इस रोलर पे ना पेपर को चढ़ा देते हैं, ठीक है, और ये दोनों तरफ इसकी नॉब लगी हुई है, इधर भी लगी हुई है, इधर भी लगी हुई है। पेपर को रख के ना घुमाते हैं तो ये पेपर अंदर हो जाता है इसके, ठीक है, आपने देखा होगा कि पेपर ऐसे ऊपर से निकल रहा होता है बाहर। अच्छा उसके बाद क्या होता है कि ये जिस पोजीशन में इस वक्त ये मौजूद है ना, इस पोजीशन में अगर मैं इस पर दबाऊँगा ना ए, ठक मारूँगा ए, इस पर मारना पड़ता है ज़ोर से, ये कीबोर्ड की तरह टच नहीं होता है कि टच किया और दब किया, इस पर बाकायदा फोर्स अप्लाई करना होता है, आपको मारना पड़ता है इसको, तकरीबन 100-150 ग्राम का आपको फोर्स अप्लाई करना होता है। तो आप जब इस पर मारते हो ना तो क्या होता है कि ये देख रहे हो लाइन से सारे जो पड़े हैं, ये स्टैम्प है ये, ठीक है, ये सारे स्टैम्प है, और इसके दरमियान में यहाँ पे कहीं ना कार्बन पेपर लगा हुआ होता है, कार्बन पेपर लगा हुआ होता है, पट्टी की शक्ल में होता है वो। तो जब आप इसको ए पे आप मारते हो ना चोट ज़ोर से, तो ए पे मारने की वजह से एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है, ये इसमें से ए वाला जो स्टैम्प है ना वो निकलता है और ज़ोर से जाके ना इधर टकराता है, ठीक है, जो रोलर पे पेपर चढ़ा हुआ है ना उस पर टकराता है, तो वो पेपर के ऊपर वो ए छप जाता है, क्योंकि कार्बन पेपर के ऊपर वो लगता है, ए का जो स्टैम्प है ना वो कार्बन पेपर के ऊपर जाके लगता है, और जितने ज़ोर से मारोगे उतना डार्क छपेगा, सही है। तो ये पिटाई करनी होती थी, ठकाटक ठकाटक पिटाई होती थी इसकी। अच्छा और साथ साथ क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा ट्रे है ना, ये वाली पूरी की पूरी ट्रे जो है, ये थोड़ी सी इधर हो जाएगी, ये जहाँ पे है ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा, हाँ सही है। तो इसी वजह से इसको कभी इस पोजीशन में स्टार्ट नहीं करेंगे, ये देख रहे हो ज़ीरो लिखा हुआ है यहाँ पे, इधर ज़ीरो लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है 90। तो इसको पहले ये वाला हैंडल देख रहे हो, इस हैंडल को पकड़ के इसको हम धक्का मारते हैं राइट साइड की तरफ, इसको पूरा मैं लाऊंगा राइट साइड पे, और ये जो मेरा स्टैम्प छपने वाली जगह है ना वो उसको मैं लाऊंगा इधर, ये इसको यहाँ से पूरे को रोलर को खींच के ये इधर आ जाएगा, और अब मैं लिखना शुरू करूँगा, ठीक है। अब मैंने लिखना शुरू किया कि भाई डियर सर, आई होप यू आर डूइंग वेल, ठक ठक मार रहा हूँ मैं, ठीक है, और जो स्पेस का जो बटन है उसको दबाने से कोई स्टैम्प नहीं लगता बल्कि वो जस्ट आगे हो जाता है, ठीक है। तो अब वो मैंने एक लाइन पूरी कर ली। अच्छा जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा ना ये लेफ्ट की तरफ घिसकता चला जाएगा, ऐसे घिसकता चला जाएगा, ये घिसक के पूरा बाहर निकल जाएगा, यानी कि मेरा जो स्टैम्प है वो लाइन के आखिर में आ जाएगा इधर। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस नॉब को घुमाऊँगा हल्का सा नॉब को घुमाऊँगा, अगली लाइन पे आ जाऊँगा अब मैं, और इस हैंडल को पकड़ के पूरा वापस अंदर की तरफ करूँ, क्योंकि अगली लाइन मुझे शुरू से लिखनी है ना, वो तो आखिर में पहुँच गया था, समझ रहे हो, इस तरह से चलता है टाइपराइटर। हाँ नहीं अब नहीं होता ना इस्तेमाल, अब तो ख़त्म हो गया ना, अब देख रहे हो कितना पंचायती आइटम है कह रहा है कि ये अचानक तुम्हारी ज़िंदगी थोड़ी बवाल में आ गई कि यार ये क्या हो रहा है इतना कॉम्प्लिकेटेड।
नहीं होता भाई, अभी नहीं होता। अच्छा कोर्ट में भी हमारे यहाँ सही कह रहे हो तुम, अभी भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अब तुम समझ लो वो उनकी ज़िंदगी कितनी अजाब में है। ये देख रहे हो लिख, ये साइड पे किया हुआ है, ये थोड़ा सा साइड हुआ हुआ है अभी राइट नाउ, अभी टक 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 करेंगे, ये आहिस्ते से दरमियान में आएगा, दरमियान से पूरा उस तरफ निकल जाएगा। अब इसमें मैं देख रहा हूँ कि कोई थोड़ा ना साइड पे हुआ हुआ मुझे दिख जाए। अच्छा टाइपराइटर से लोग देखो ये भी बनाते हैं, टाइपराइटर से बना हुआ है ये। इसमें इसको जूम इन करेंगे ना तो इसमें लेटर्स लिखे हुए होंगे, छोटे छोटे डॉट, जो लेटर का वो होता है ना लेटर आर्ट, ये वो किया हुआ है। तो बस अब लोग इससे यही इस तरह की फनकारियाँ करते हैं, मेन स्ट्रीम से तो हट गया है, ये मेन स्ट्रीम से ये हट चुका है। इसमें मुझे वो नहीं दिख रहा कि पेपर लगा हुआ और एक तरफ गया हुआ पूरा, वो उस तरह का मैं देख रहा हूँ कोई इमेज। अच्छा यहाँ पे हाँ देखो ये एक तरफ हुआ हुआ है, एक तरफ हुआ हुआ है, और उसको टक 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 करते जाएंगे ये आगे बढ़ता जाएगा। ये पूरा पेपर और ये पूरा जो ये पूरी ट्रे है जो आप देख रहे हो, ये बिल्कुल मेन टाइपराइटर से बिल्कुल अलग थलग ये एक ट्रे है, ये ट्रे पूरी उस तरफ मूव करेगी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही पूरा उधर मूव करेगी ये, और फिर अगली लाइन में जाने के लिए इसको घुमाऊंगा। अच्छा अब ये तो मैंने तमीदी गुफ्तगू कर दी अब सवाल ये है कि बैक स्पेस कैसे होगा इसमें अब हम तो बैक स्पेस दबाते हैं मिट जाता है, अब ये तो ठक करके मार के उसने छाप दिया पूरा कार्बन पेपर से, अब बैक स्पेस कैसे होगा। मिटाना पड़ेगा नहीं, आपके यूज़ होता है आपके डिपार्टमेंट में? अभी नहीं है, पहले होता था तो निकाल के मिटाते थे। अच्छा इस्तेमाल नहीं किया आपने कभी? हाँ तो सही है, इन्होंने ऑब्जर्वेशन तो सही है इसकी कि निकाल के मिटाते हैं वो। अच्छा अब निकाल के मिटाने के चक्कर में मसला ये है कि मैंने लिखा था मिसाल के तौर पर वर्ड इंजमाम लिखना था मैंने, अब मैंने वो लिख दिया INZAMAM असल स्पेलिंग है। अब किसी ने उसको, बहुत सारे लोग ना आई कर देते हैं, इंजीमाम कर देते हैं, INZI कर देते हैं इंजीमाम। अब वो मसला ये है कि आई हो गया गलत, अब उसको करना है सही। अब मैंने निकाल के आई को मिटा तो दिया, लेकिन आई होता है पतला, चौड़ाई में पतला होता है, एम चौड़ाई में ज़्यादा होता है, या ए जो है वो भी चौड़ाई में ज़्यादा होता है। अब मैंने आई को मिटा के उधर लिखना है ए, वो तो लिखा ही नहीं सकता, जगह ही नहीं है इतनी, है ना, जगह तो नहीं है इतनी। इस वजह से टाइपराइटर में मोनो स्पेस लगाते हैं कि आई को भी मिटा के अगर मुझे ए लिखना पड़े ना तो लिख सकूं मैं वहाँ पर, एक जैसा स्पेस होगा। कहानी समझ आई? इस वजह से टाइपराइटर में मोनो स्पेस के अलावा कोई और फॉन्ट इस्तेमाल नहीं हो सकता। असल सवाल ये था। वापस आ जाते हैं हमारे इधर। अच्छा तो ये जो है ना तीनों फॉन्ट की ये मेन स्ट्रीम कैटेगरी है, ये दुनिया के जितने भी फॉन्ट होंगे वो इनमें से किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल करेंगे, सही है। अच्छा और भी तीन है ज़रा, वो भी अभी आगे बताएगा ये। एक है मोनो स्पेस, अच्छा मोनो स्पेस तो बोल दिया, हाँ कर्सिव है एक। कर्सिव क्या होता है जी, कि कर्सिव फॉन्ट आइदर हैव ज्वाइनिंग स्ट्रोक्स और अदर कर्सिव कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हैंड राइटिंग स्टाइल्स। कह रहे हैं कि जी इसमें क्या होगा कि इसके जो कर्व होंगे ना वो ज्वाइनिंग कर्व होंगे। ज्वाइनिंग कर्व क्या होता है, जैसे होता है ना जी, अब जैसे अगर किसी बंदे ने इंजमाम लिखना है तो अब वो आई लिख कर एक तो पेन उठा के एन लिखेगा बंदा, आई लिखा और पेन उठा लिया उसके बाद और फिर एन लिखा। एक बंदा ये करेगा कि आई लिखा और साथ ही बगैर पेन उठाए ना एन भी लिख दिया, फिर ए भी लिख दिया, पूरा लिख दिया, ठीक है, जैसे डॉक्टर पैनाडॉल लिख के देता है आपको, पूरा एक ही स्ट्रोक में पूरा लिख देता है आखिर तक, तो उसको हम कहते हैं ज्वाइनिंग स्ट्रोक। तो हैंड राइटिंग में ज़्यादातर लोग, यानी शुरू में तो बच्चों को अलग अलग ही लिखना सिखाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है ना उसको ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें लिखनी पड़ती हैं तो वो फिर तंग आ जाता है, फिर तंग आके वो एक ही में लिखना शुरू कर देता है पूरा, ठीक है। तो डॉक्टर को वैसे कोई बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता, लेकिन डॉक्टरों की आदत होती है ये।
हाँ उनको दिखाना पड़ता है असल में कि हम डॉक्टर हैं, तो इस वजह से वो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, डॉक्टरों को तो यार पर्ची लिखनी होती है, दिन में कितना 100 मरीज़ आ जाएंगे, उसके बाद 100 पर्ची लिखनी है, इज़ नॉट अ बिग डील। हाँ उस टाइम लिखना पड़ता है, जब वो पढ़ रहे होते हैं उस टाइम लिखना पड़ता है। खैर, तो कोई कर्सिव कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है इस फॉन्ट के अंदर, तो उसको हम कहते हैं कर्सिव फॉन्ट। अच्छा, फैंटेसी फॉन्ट जो है ना, इट इज़ अ डेकोरेटिव फॉन्ट, कि ये कोई एक्चुअल फॉन्ट नहीं होता, ये असल में डेकोरेटिव होता है, ये डेकोरेटिव प्रॉपर पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपको ऐसे भी फॉन्ट मिलेंगे जिसके ऊपर बत्ती लिपटी भी होगी, यानी आप जैसे लिखेंगे ना, जैसे इम्पैक्ट लिखा हुआ है ये, तो इम्पैक्ट के ऊपर वो जो शादी वाली लाइट होती है ना, कि ऐसे यूँ एक तार आई हुई होगी, यहाँ एक बत्ती लगी हुई होगी, फिर यूँ तार जा रही होगी, यहाँ एक बत्ती लगी हुई होगी, रेड ब्लू ग्रीन ऐसे उसके ऊपर बत्ती लिपटी भी होगी पूरी। तो इसमें इस किस्म के फॉन्ट होते हैं, थोड़े क्या होते हैं वो डेकोरेटिव किस्म के फॉन्ट्स इसके अंदर होते हैं, जो फैंटेसी की कैटेगरी में जो आ रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा वापस आ जाते हैं जी हम यहाँ पे। इन्होंने कुछ एग्जांपल बताई है कि जो सैरिफ है ना, उसकी कैटेगरी में कौन कौन से फॉन्ट हैं जो मोस्ट कॉमन है। ये तीनों फॉन्ट आप देखें, ये किस में सैरिफ में लाए करते हैं, जॉर्जिया टाइम्स और टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, अच्छा सैन सैरिफ के अंदर आप देखें एरियल सबसे फेमस फॉन्ट है, वरदाना है और हेल्वेटिका है, ये तीनों क्या है सैरिफ में लाए करते हैं। ये इसके आप एजेस देखें दोनों के, आपको आइडिया होगा कि कौन सा वाला कौन सा है। अच्छा, मोनो स्पेस के अंदर कोरियर और कोरियर न्यू दो फॉन्ट है, ये बड़े कॉमन है, ये इसमें कॉमिक सैंस है और मोनोटाइप कॉर्सेविया है। आप देखें इसके अंदर भी जो है ना, ये क्या है कर्सिव फॉन्ट है ये। ठीक है, गोल गोल घुमाया हुआ है एजेस को और मिक्स किया हुआ है, ज्वाइनिंग है, ज्वाइन हुए हुए हैं एजेस आपस में। अच्छा जी, वापस आते हैं जी हम फॉन्ट के। एक तो प्रॉपर्टी हो गई कि जी फॉन्ट का फेस कैसा है, फॉन्ट का फेस कैसा है दिखने में, या फॉन्ट स्टाइल आप उसको कह लें कि वो कैसा है, एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। एक फॉन्ट के अंदर प्रॉपर्टी ये भी होती है कि जी वेट क्या है फॉन्ट का, फॉन्ट कितना भारी है। सही है, हम किसी बंदे का कहते हैं ना, इस बंदे का वेट 100 किलो होगा, क्यों कहते हैं उसको बंदा, वो बंदा चौड़ा होता है, यानी कि वो बोल्ड होता है, चौड़ा हुआ हुआ होता है, दूर से दिखता आते हुए ना, है ना, बिग मैन बिग टारगेट, तो वो बिग मैन है ये। तो वेट जितना ज़्यादा होगा मेरा टेक्स्ट उतना मोटा दिखेगा मुझे। ठीक है, इसको बोल्ड कहते थे लेकिन असल इसकी टर्मिनोलॉजी जो फॉन्ट वेट है। अच्छा, स्टाइल, स्टाइल में क्या हो सकता है जी, नॉर्मल इटैलिक या ऑब्लिक, ये इसका स्टाइल हो सकता है फॉन्ट का। हाँ यार, ऑब्लिक और इटैलिक में जो है ना फ़र्क ये है कि क्या समझ आया बताओ, नीचे क्या ओके बनी हुई है। बताओ इटैलिक में और ऑब्लिक में क्या फर्क है। अबे नहीं भाई, वो तो फॉन्ट ही अलग है ना। नहीं मतलब मैं क्या, तुम दिखाना चाह रहे हो एल के नीचे क्या है, मुझे नहीं समझ आ रहा, एक्सप्लेन करो सही तरह, एक्सप्लेन करो। अच्छा, अब ये रेगुलर को अगर मैं ऑब्लिक करूँ तो, क्योंकि देखो ये जो फॉन्ट है ना, ये वाला, ये कौन सा फॉन्ट है, ये है मोनोस्पेस टाइप का फॉन्ट है। ठीक है, या इसको आप कह लो सेरिफ फॉन्ट है ये, क्योंकि इसको देखो एजेस पे एक्स्ट्रा डिटेल है इसके, है ना, ये सेरिफ फॉन्ट है। अब अगर मैं इसको जो सैंस सेरिफ है, जो यानी इस रेगुलर पे अगर मैं इटैलिक अप्लाई करूँ या ऑब्लिक अप्लाई करूँ, तो इसके तो एल के नीचे ना इसमें कुछ है ना उसमें कुछ है, तो क्या आ जाएगा एल के नीचे कुछ आ जाएगा क्या। नहीं, ये मतलब ये तो डेफिनेशन तो नहीं हुई ना कि एल के नीचे एक लकीर आ जाएगी, मतलब ऑब्लिक लगाने से एल के नीचे लकीर आएगी, दिस इज़ नॉट द डेफिनेशन। हाँ, वो इटैलिक क्या करता है, थोड़ा उसको फॉन्ट का एंगल बना देता है। ठीक है, 10-12 डिग्री उसको थोड़ा एक तरफ ले डाउन कर देता है,
ऑब्लिक भी सेम काम कर रहा है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है पूछ लिया है तो बताओ तुम्हें क्या लग रहा है क्या डिफरेंस है, फिर हम देख लेते हैं। डिफरेंस बिल्कुल आपके सामने है, आँखों के सामने है बिल्कुल। अच्छा मैं बता देता हूँ, बहुत आंखों के सामने है बिल्कुल आपके। आप नोट करें कि जो नॉर्मल फॉन्ट है उसके अंदर का जो एल है सही है, या इसके अंदर और कौन सा कैरेक्टर है जो मैच हो रहा है दोनों का, और है ही नहीं कोई कैरेक्टर। चलो वेल इसके अंदर जो एल है, हाँ अच्छा सुन लो सुन लो, इसका जो एल है और इसका जो एल है ये काफ़ी डिफरेंट एल है, ठीक है, क्योंकि हैंड फ्री उतार दो बेटा तुम कान से अपनी। अच्छा तो ये इटैलिक में असल में क्या होता है, जब भी कोई फॉन्ट हमें मिलता है ना तो इटैलिक के जो फेसेस, असल में देखो फॉन्ट होता क्या है, फॉन्ट कुछ भी नहीं होता, ये असल में फ़ोटोज़ होती हैं, ये एन ओ आर एम ए एल, ये छः फ़ोटोज़ हैं अलग अलग, समझ रहे हो, ये छः पी एन जी फ़ोटोज़ हैं जो एन की जगह पे, अच्छा ये फ़ोटो दिखानी है एन का जहाँ पे कोड आता है ना वहाँ पे ये फ़ोटो दिखानी है, कंप्यूटर को जस्ट ये बात पता है। तो इसकी जो फ़ोटो है ना एन की, ए से लेके जेड तक कैपिटल, ए से लेके जेड तक स्मॉल, एक तो ये फ़ोटोज़ हो गई नॉर्मल में, ठीक है। इसी तरीके से इसकी जो फ़ोटोज़ है ना वो इटैलिक की, वो ए से लेके जेड तक स्मॉल और ए से लेके जेड तक कैपिटल, लेकिन इटैलिक में अलग फ़ोटोज़ होती है, यानी अलग शेप होगा उसका, अलग कैरेक्टर होगा, ठीक है, वो इटैलिक होगा। अच्छा ऑब्लिक में ऑन अदर एंड अलग कैरेक्टर नहीं होता है, वो नॉर्मल वाले को ही आप देखें एंगल दे दिया उसने जस्ट, सही है इसका। ये वाला आप एल नोट करें और ये वाला आप एल नोट करें, ये बिल्कुल एक जैसा है, बस जस्ट ये एंगल पे एक एंगल पे गिरा हुआ है। अच्छा इसका आई आप नोट करें, इटैलिक का आई अलग है, इटैलिक का जो आई है ना वो एंटायरली फ़ोटो ही अलग है, जबकि ऑब्लिक के अंदर जो आई है ना उसकी फ़ोटो अलग नहीं है, वो इस यही वाला फ़ोटो है, जस्ट उसको एक एंगल पे थोड़ा सा जो है ना खींच दिया, ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क है इटैलिक में और ऑब्लिक में। अच्छा अब इसको ज़रा इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अच्छा अब ऑब्लिक का जो डेफिनेशन है ना वो क्या है, नीदर पैरेलल नॉर एट राइट एंगल टू अ स्पेसिफाइड और इम्प्लाइड लाइन, इस लाइन विच सेट ऑन द सेट ऑब्लिक ऑफ द फायर प्लेस, कह रहे हैं कि यार पैरेलल भी नहीं होगा और राइट एंगल भी नहीं होगा। पैरेलल क्या होता है, दो लाइन ना आपस में पैरेलल हो सकती हैं, जैसे ये देखो ये वाली एक लाइन है और ये नीचे एक लाइन है, ये पैरेलल कहलाएगी, ठीक है। अच्छा अगर ये टी शेप में होता है कि ये एक लाइन ऐसे है और एक उसके नीचे यूं होती लगी टी शेप, तो दैट इज़ कॉल्ड राइट एंगल। तो ये ना पैरेलल होगा ना राइट एंगल होगा, ये दोनों लाइन आपस में इस वक्त पैरेलल है, अगर टी शेप होता तो राइट एंगल होता। अच्छा अगर मैं एक ऐसे बना दूँ ना, यहाँ से शुरू करूँ लाइन को और जाते जाते ना ऊपर थोड़ा थोड़ा ऊपर ले जाऊँ लाइन को, ऐसे यूँ एक बना दूँ लाइन, तो दैट वुड बी ऑब्लिक, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि जी ये टेढ़ी वाली जो लाइन है और ये ऊपर जो सीधी वाली लाइन है, दीज लाइन आर ऑब्लिक, ठीक है, हाँ तो उसको हम ऑब्लिक कहते हैं, ठीक है। तो ऑब्लिक की ये छोटी सी डेफिनेशन है, तो ऑब्लिक का मतलब होता है कि जस्ट टेढ़ा, और इटैलिक का मतलब क्या होता है अब वो भी देख लो ये डेफिनेशन में। अच्छा कह रहे हैं कि जी रिलेटिंग टू और डिनोटिंग द ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज दैट इंक्लूड लैटिन ओशियन अम्बेरियन एंड रोमांस लैंग्वेज, यानी रोमन रोमी जो लैंग्वेज बोलते हैं। अच्छा ये तो एक उन्होंने कोई अलग ही बता दी कि जी इटैलिक जो है ना शायद वो इटालियन लैंग्वेज की ये बात कर रहे हैं शायद। अच्छा एक इटैलिक नीचे भी आ रहा है, स्लोपिंग काइंड ऑफ टाइप फेस यूज स्पेशली फॉर एम्फेसाइज एंड डिस्टिंक्शन
एंड इन फॉरेन वर्ड्स. तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि एक स्लोपिंग काइंड ऑफ टाइप फेस होता है, यानी स्लोप के जैसा होता है. नहीं, ये भी टेढ़े की बात हो रही है कि थोड़ा टेढ़ा होता है वो, और स्पेशली यूज फॉर एम्फेसाइज, जिस वर्ड पे एम्फेसाइज करना होता है ना, जोर देना होता है उस पे ये बोलते हैं. और जिस वर्ड को डिस्टिंग्विश करना होता है बाकी पूरे के पूरे पैराग्राफ से, उसको हम इटैलिक करते हैं. या कोई फॉरेन वर्ड होता है, फॉरेन वर्ड का मतलब है कि वो उस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, कोई अलग से वर्ड है. सही है ना? नहीं, ये तीन इन्होंने बताया कि इस तीन चीज़ों में आमतौर पर इसको इटैलिक करके थोड़ा टेढ़ा करके लिखते हैं. ठीक है, तीन चीज़ों को आमतौर पर, जैसे भाई पूरा का पूरा मैं पैराग्राफ लिख रहा हूँ इंग्लिश में, अब उसमें कोई एक वर्ड आ गया उर्दू का कि जी मुशायरा, तो मुशायरे को इटैलिक करके लिखूंगा क्योंकि फॉरेन वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड नहीं है वो वर्ड कोई फॉरेन वर्ड है कहीं और का है, तो इंग्लिश का पढ़ने वाला उस वर्ड को जानता नहीं होगा, तो उसको फॉरेन वर्ड है. या तो कोई डिस्टिंग्विश करना है बाकी वर्ड से, ठीक है, तो ये मिसाल के तौर पे कि कोई बुक का नाम है तो उसको मैं इटैलिक करके लिख दूंगा, मे बी डिस्टिंग्विश करना चाह रहा हूँ मैं बाकी पूरे पैराग्राफ से, या उस इटैलिक करके लिख सकता हूँ. अच्छा जी, ये हो गई सारी बातें हमारी. अच्छा, ये कुछ टेक्निक्स बता रहा है कि यार कैसे करके आप लगाएंगे ना तो वाइडर वैरायटी आपको फॉन्ट की मिल जाएगी. वो टेक्निक क्या बता रहा है कि जी फॉन्ट फैमिली एक टेक्निक है, फॉन्ट फेस एक टेक्निक है, सर्विस बेस्ड फॉन्ट है, और इमेजेस हैं सिफर है और शिफॉन है. ये छह तरीके इन्होंने डिस्कस किए हैं कि जी फॉन्ट को लगाने के, कि कौन सा वाला फॉन्ट का तरीका लगाएंगे तो वाइडर वैरायटी आपको उसकी अवेलेबल हो जाएगी. अच्छा, अब ये असल में जब तक हम फॉन्ट लगाएंगे नहीं ना, ये हमें बात समझ नहीं आएगी ये वाली के छह तरीके कौन से हैं. अच्छा, हम ये छह के छह तरीके ज़ाहिर इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, हम इसमें कौन सा इस्तेमाल करेंगे? फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फेस और सर्विस बेस, ये तीन चीज़ें हम यूज़ करेंगे. ये तीन हमारे लिए गुड इनफ है, तो ये तीन हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे. तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में ना ये हम यहाँ से शुरू करेंगे, स्पेसिफाइंग फॉन्ट फेस से. ठीक है, और वंस हम फॉन्ट फेस एक दफ़ा लगाना सीख लेंगे तो फिर हम आगे ज़रा ये वाली बात जो है ना, इसने जो डिस्कस की है यहाँ पे कि जी ये फॉन्ट फैमिली के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और फॉन्ट फेस के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और सर्विस बेस्ड फॉन्ट के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो इसको हम फिर इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे. ठीक है जी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी अब नेक्स्ट क्लास में.